हेलो गाइज, आपके अपने चैनल शेयर मार्केट स्टॉकर में आपका स्वागत है। सो गाइज, आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा। वहां पर क्लिक करके चैनल को ज्वाइन करके जो भी आपकी क्वेरी है वो डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हैं। सो गाइज, इस वीडियो में बात करेंगे टाटा टेली सर्विसेज महाराष्ट्र लिमिटेड। आज की कंडीशन की बात करें तो काफ़ी अपसाइड भी इसमें देखने को मिला, डाउन साइड भी इसमें देखने को मिला है। और आज अभी एट प्रेजेंट की बात करें तो टोटली जो कि लोअर सर्किट पे लॉक हो चुका है, कोई भी इसमें एट प्रेजेंट बायर नहीं है। एंड अगर बात करें आज के हाई की लो की, उससे पहले बता दूं कि एक लेटेस्ट अनाउंसमेंट की गई है। वो लेटेस्ट न्यूज़ क्या है इस वीडियो के थ्रू आपको पता चलेगी। सुखाई चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूले, अदरवाइज एक लेटेस्ट अपडेटेड न्यूज़ मिस कर जाएंगे। तो आज के हाई की बात करें 50 रुपये 20 पैसे इसका आज का ये लो की बात करें 48 रुपये 5 पैसे इसका आज का लो है। अगर बाउंड्री हाई की बात करें 58 रुपये 40 पैसे इसका बाउंड्री हाई है। लो की बात करें 5 रुपये 15 पैसे इसका बाउंड वीक लो है। अगर मैक्सिमम की बात करें तो जो गाइज इसका बाउंड वीक हाई है करीब करीब उसके आसपास इसका मैक्सिमम है। एंड बेहतरीन कंडीशन है, मैं तो ये बोलता हूँ गाइज हर बार कि जैसे ही कोई भी डिप मिले इमिडिएटली आपको बाय कर लेना चाहिए, मौका हाथ से मत जाने दे। कई बार बोल चुका हूं मैं, इसको इकट्ठा करें, एक बेहतरीन प्रॉफिट आपको मिल सकता है। एंड अगर बात करें इसके एनालिसिस की तो आज के वॉल्यूम ट्रेड की बात करें तो करीब करीब मोर देन 1 CR क्वांटिटी NSE पे ट्रेड हुई है। BSE की बात करें तो BSE पर भी 22.5 लाख क्वांटिटी वॉल्यूम ट्रेड हुआ है। अगर बात करें शॉर्ट एनालिसिस की तो 8 स्ट्रेंथ है, 5 वीकनेस है, 3 अपॉर्चुनिटीज हैं, 1 थ्रेट नजर आ रहा है। अगर आज की बात करें तो ऑफकोर्स एक जो कि यहाँ पर रेड कैंडल नजर आ रही है, इट मीन्स कि सेलर बैठे हुए हैं बट बड़ी तादाद में नहीं है, क्योंकि करीब करीब सेलर यहाँ पर जो क्वांटिटी NSE पे है वो करीब करीब 20 से 25 लाख क्वांटिटी वॉल्यूम जो कि अभी एट प्रेजेंट सेलिंग के लिए लगा हुआ है लोअर सर्किट पे। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अगर बात करें सेंटीमेंट की, 98% बाय का, 2% सेल एंड 0% होल्ड करने का सेंटीमेंट इसमें नजर आ रहा है। एंड इसके अलावा अगर बात करें इसके क्वार्टरली रिजल्ट की तो रेवेन्यू में ऑफकोर्स एक स्टेबिलिटी यहाँ पर नजर आ रही है, मोर देन 250 करोड़ के आसपास जो कि 4 क्वार्टर से बिल्कुल स्टेबल है जो इसका रेवेन्यू है। एंड अगर बात करें नेट प्रॉफिट की तो यहाँ पर जो लॉस है वो काफ़ी कम किया है, कई गुना कम किया है ईयर ऑन ईयर बात करें। नो डाउट कि यहाँ पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर इसमें जंप देखने को मिला है लॉस में। एंड अर्निंग पर शेयर की बात करें तो सेम सिचुएशन अर्निंग पर शेयर की है जो कि नेट प्रॉफिट की है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अगर बात करें होल्डिंग की तो यहाँ पर प्रोमोटर होल्डिंग है 74.36% प्रोमोटर होल्डिंग है। पब्लिक होल्डिंग की बात करें 25.47% पब्लिक होल्डिंग है। अगर बात करें फॉरेन इन्वेस्टर्स की तो 0.16% यहाँ पर होल्डिंग हो चुकी है। इट मीन्स कि क्लियर कट ये है कि फॉरेन इन्वेस्टर्स ने होल्डिंग को इंक्रीज किया है, 0.01% हुआ करता था इससे पहले वाले क्वार्टर की बात करें तो। और अदर्श की बात करें 0.01% यहाँ पर अदर्श की एंट्री है। तो एक बेहतरीन जंप यहाँ पर आपको देखने को मिला है फॉरेन इन्वेस्टर्स में 0.15%। इट मीन्स कि बड़े इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट इसने बना लिया है, एक बड़ी इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी आने लगी है शेयर में। एंड अगर बात करें डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स की तो कोई होल्डिंग इसमें मौजूद नहीं है। अगर बात करें पब्लिक होल्डिंग की तो 25.47% यहाँ पर पब्लिक होल्डिंग है, डिक्रीज की गई है। एंड ऑफकोर्स गाइस, जितनी हम जैसे लोगों की होल्डिंग कम होगी काफ़ी चांसेस होते हैं शेयर प्राइस के ऊपर जाने के, और वही हो रहा है अगर बात करें टाटा टेली सर्विसेज महाराष्ट्र में। एंड पार्ट फ्रॉम दैट अगर बात करें अदर्श की तो अदर्श की एंट्री भी बिल्कुल स्टेबल है, कोई उसमें चेंजेस नहीं है, फ्लश आउट नहीं कर रहे हैं बिल्कुल भी। सितंबर में फॉरेन इन्वेस्टर्स ने होल्डिंग को इंक्रीज किया है। एंड अगर बात करें टोटल नंबर ऑफ शेयर की तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ शेयर 195,49,27,727 क्वांटिटी वॉल्यूम मार्केट में ट्रेड हो रहा है, जिसमें से करीब करीब 1.5 करोड़ क्वांटिटी प्रोमोटर एंड प्रोमोटर ग्रुप के पास है। तो गाइस, जब इसका प्राइस 7 रुपये हुआ करता था तब से मैं बोल रहा हूँ गाइस इसको इकट्ठा कर लीजिए, जितनी क्वांटिटी आप लेना चाहें। उस टाइम पर मैंने बोला भी था कि आप ले सकते हैं, यहाँ पर इस प्राइस में एक बेहतरीन जंप आपको मिल सकता है आने वाले फ्यूचर में। एंड वही हुआ, ऑलरेडी 58 रुपये को क्रॉस करके अभी नीचे आया है जस्ट बिकॉज ऑफ मार्केट की कंडीशन काफ़ी ख़राब है, मार्केट टोटली पीक पर है। एंड गाइज ऑफकोर्स मैंने आपको बोला भी था कि थोड़ा थोड़ा करके ले, उस प्राइस लेवल पे मैंने आपको बताया था।
और अभी जो कि दोबारा से 50 रुपये से नीचे दोबारा इसको इकट्ठा करना स्टार्ट कर दें गाइज। ऑफकोर्स एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, आप मिस कर रहे हैं अगर आप नहीं ले रहे तो। एंड अगर बात करें नए अवतार के साथ आ चुका है टाटा टेली बिजनेस सर्विसेज के साथ, एंड अगर बात करें इसके अलावा ऑलरेडी क्लाउड जो इवन क्लाउड बेस्ड जो ऐप है ऑलरेडी वो लॉन्च कर चुका है, जूम के साथ पार्टनरशिप हुई है। सुपर ऐप की बात करें ऑफकोर्स जो कि अर्ली नेक्स्ट ईयर सुपर ऐप भी आने वाली है, ऑलरेडी ये जो कंपनियों में ऑलरेडी कंपनी के जो एम्प्लॉय हैं उनको दी जा चुकी है। सुपर ऐप की बात करें तो एक वीडियो के थ्रू मैंने आपको बताया था, तो जैसे ही सुपर ऐप ऑफिशियली लॉन्च होगी एक बेहतरीन जंप इसमें देखने को मिल सकता है। ऑफकोर्स वहां से भी एक अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट होगा जूम के साथ पार्टनरशिप। एंड अगर बात करें इसकी और न्यूज की तो काफी सारी न्यूज जो कि लॉन्चिंग की नए सॉफ्टवेयर लॉन्चिंग की बात हो या फिर कोई और, इवन काफी बेहतरीन जबरदस्त कंडीशन में है, एक अच्छा खासा प्रॉफिट ऑफकोर्स लंबे टाइम के लिए करीब करीब 100 रुपए के आसपास इसका टारगेट सेट करके चल सकते हैं, एक अच्छा खासा बेहतरीन प्रॉफिट आप ले सकते हैं टाटा टेली बिजनेस सर्विसेज महाराष्ट्र लिमिटेड से। एंड ऑफकोर्स गाइज मिस मत करें, थोड़ा थोड़ा करके इसको इकट्ठा करें, एवरी डे में एक बेहतरीन प्रॉफिट आपको मिल सकता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, सो प्लीज चेक, प्लीज लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, टेक केयर।